हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त, स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको हिमालय इवी केयर सिरप का रिव्यू कर रही हूं और ये रिव्यू मैं 5 दिन यूज करने के बाद इसे कर रही हूं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की प्रॉब्लम है इरेगुलर पीरियड्स की, या फिर पीरियड्स ठीक से नहीं आते, खुल के नहीं आते। इस मंथ मेरे भी पीरियड्स ठीक से नहीं आए और जैसा कि मैं आपसे कहती हूं कि मैं आपको वही रिकमेंड करती हूं जिस पे मैं ट्रस्ट करती हूं। इस मंथ ऐसा हुआ कि मेरे पीरियड्स ठीक से नहीं आए, सिर्फ 2 दिन आए, वो भी बहुत कम आए। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली होता ऐसा है कि कई बार हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं होती, हमारी डाइट सही नहीं होती, तो उस मंथ हमारे पीरियड्स बिगड़ जाते हैं। हो सकता है शायद इस मंथ भी ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से मेरे पीरियड्स बिल्कुल भी ठीक से नहीं आए। फिर मैंने ये इव केयर सीरप इसको परचेज की है और 5 दिन मैंने इसको यूज किया है और यूज करने के बाद आज मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। जैसा कि मैंने आपसे भी कहा था कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, ठीक से नहीं आ रहे और इस वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप इसका सेवन जरूर करिए, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। मुझे इसका क्या फायदा मिला वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। पहले मैं आपको इसको फायदे बता देती हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरह से हर्बल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें गुड़ची, लोथरा, शतावरी, पुनर्नवा, नारी केला, कुमारी, चंदना, बबूला, मुश्ता, सब ये सब आयुर्वेदिक है। सब इसमें आप देख सकते हैं, त्रिफला वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, शिलाजीत तिफरा है। ये सारी मतलब अंदरूनी ताकत देते हैं महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं में शारीरिक कमजोरी बहुत होती है, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो। हाथ में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, इन सब चीजों से महिलाओं को बहुत डेली जूझना पड़ता है। तो ये सारी इसमें आयुर्वेदिक चीजें हैं, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। ये 200 ml की सीरप है और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो 130 रुपीज इसका प्राइस है। 130 रुपए में ये 200 ml की सीरप आती है। मैं इसको 5 दिन से यूज कर रही हूँ। पीरियड्स तो मुझे पता चलेंगे नेक्स्ट मंथ की, अब कैसे आएंगे वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन जो 5 दिन यूज करने के बाद जो मुझे इसका फायदा मिला है वो ये है कि मुझे डेली अपने, जब मैं सोने जाती थी तो मुझे अपने पैरों में हल्का हल्का दर्द महसूस होता था, ऐसा डेली मेरे साथ हो रहा था। लेकिन अभी मैं जब से 5 दिन से इसको यूज कर रही हूँ, टचवुड, मुझे वो दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल है और छोटा बेबी है तो सारा दिन मेरा बहुत बिजी रहता था। लेकिन जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ, मुझे वो थकान, वो दर्द पैरों में नहीं महसूस होता। इवन मैं खुद को बहुत ज्यादा एक्टिव, जब से मैं इसका यूज कर रही हूँ, मैं खुद को बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ। तो ये काफी अच्छी सीरप है। जब मैंने ये इसको परचेज की थी तब ये यहाँ तक थी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, जब मैंने इसको परचेज की थी तब ये यहाँ तक थी, अभी आप देख सकते हैं ये कहाँ तक है। मैं डेली 10 ml सुबह और 10 ml शाम को डेली इसको ले रही हूँ, 2 टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और शाम को भी हल्का ब्रेकफास्ट के बाद मैं इसको डेली 2 टाइम ले रही हूँ। जब मैंने ली थी तब ये यहाँ तक थी, अभी ये यहाँ तक है। ये है इसका मेजरमेंट, ये देखिए, ये इसका मेजरमेंट, इस पे सब लिखा हुआ है। आपको इसको 10 ml है, ये 15 ml तक है ये, तो आप 10 ml चाहें तो आप डेली इसको 10 ml तक, यहाँ तक, दोनों टाइम ले सकते हैं, आप एक टाइम भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। मैं फिलहाल अभी इसको दोनों टाइम ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे 1 महीने इसको चेक करना है ठीक से। तो अभी 5 दिन का रिव्यू मेरा बहुत अच्छा है, ये 5 दिन का एक्सपीरियंस मेरा ये बहुत जो अच्छा हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे भी कोई थकान, कमजोरी या पैरों में दर्द महसूस नहीं हो रहा जब से मैं इसको ले रही हूँ। और जैसा कि मैंने भी आपको भी सजेस्ट किया था कि अगर आपको भी किसी तरह की कमजोरी है, पैरों में दर्द हुए होता है, थकान रहती है, पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे, इवन जिनको PCOD और PCOS है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है और इससे गर्भधारण भी आपको जल्द से जल्द होगा। जैसा कि इसमें शतावरी पड़ा हुआ है, शतावरी विमेंस के लिए बेहद अच्छा होता है। शतावरी से एक तो अंदरूनी ताकत भी मिलती है और शतावरी जो है वो प्रेगनेंसी को कंसीव करने में भी आपकी हेल्प करता है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाए तब आप इसका सेवन बंद कर दें, लेकिन जब तक आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे तब तक आप इसको लेना है। और इसको एटलीस्ट आपको 2 से 3 मंथ तक इसका सेवन आपको करना है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं। मैंने ऐसे काफी सारे अपने आसपास लोगों को देखा है जिनके पीरियड्स ठीक नहीं थे, जिनको शारीरिक कमजोरी थी और डॉक्टर ने उन्हें यही रिकमेंड किया है। तो आप इसको लीजिए, इसको ट्राई करिए, इसका सेवन करिए। अब मैं भी इसको यूज कर रही हूँ, तो अब आई होप कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको वही चीज सजेस्ट की थी जिस पे मैं ट्रस्ट करती हूँ। तो आप इसको बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के यूज कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत खराब नहीं है, टेस्ट भी इसका अच्छा है, आयुर्वेदिक टेस्ट जैसा होता है आयुर्वेदिक दवाइयों का।
वैसा ही है। तो आप इसको यूज करिए और इसके फायदे जो हों प्लीज हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। आपको इसके क्या फायदे देखने को मिले कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई और खास जानकारी साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।